कि मैं जब रिटायर हो रहा था तो मैं अनुशासन के तहत नौकरी किया, इस बात का एक सर्टिफिकेट भी भारतीय सेना दिया है। सभी सरकारी कार्यालयों में फौजी सिर्फ नाम ही काफ़ी होगा, इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ। ये हमारे भाई फौजी लोग हैं और उन्हीं की वजह से जो है आज मैं मैदान में हूँ। अगर वो लोग अगर अच्छा से करते तो हम फौजियों को क्यों आने की जरूरत था। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में अलग अलग पार्टी से जो प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं अपने जनसंपर्क यात्रा में निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं मानसवी पाठक और आप सभी का स्वागत करती हूं हजारीबाग अपडेट्स में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद ओझा, जो कि सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, क्या मुद्दे होंगे जनता से वोट लेने के लिए इस बार। मैडम, आप सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय हिंद। मैं यहाँ पर मुद्दों का कोई कमी नहीं है, जहाँ पर भी चले जाइए हर जगह में, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह पैसा का डिमांड किया जाता है और एक आम आदमी जो है बार बार चक्कर लगाने को विवश हो जा रहा है। मैं भी 5 साल पहले रिटायर हुआ था और मैं भी इस समस्या को झेला हूँ। और जैसा कि युवाओं का जो बार बार एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। और जैसे कि हजारीबाग सिटी में देख लीजिए कि 3-4 घंटा जो है वो कंटिन्यू आम आदमी लाइन में लगे रहते हैं। ये व्यवस्था चेंज भी हो सकता है, ये जो है तो, और वही सब व्यवस्था को चेंज करने के लिए अभी देखिए ना, बरसात के मौसम में पूरे रोड में पानी भर जाता है, तो ये सब कौन करेगा। ये तो वो लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो लोग अगर अच्छा से करते तो हम फौजियों को क्यों आने की जरूरत था। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं तो उतना सक्षम नहीं था कि उनके साथ मुकाबला करूँ, क्योंकि मैं पेंशन से मैं अपना जीविका उपार्जन कर रहा हूँ। बट ये हमारे भाई फौजी लोग हैं और उन्हीं की वजह से जो है आज मैं मैदान में हूँ और मैं तो आगे चल रहा हूँ। बस वही लोग योगदान दे रहे हैं जो सरहद पे हिफाजत कर रहे हैं देश का, वो लोग हमको डोनेशन दे रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी जीना सभी के लिए आसान करना ज़रूरी है, आम हो और खास हो। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हजारीबाग की जनता को, अगर यदि आ जाते हैं जीत करके तो ज़िंदगी जीना आम और ख़ास दोनों के लिए आसान होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में फौजी सिर्फ नाम ही काफ़ी होगा, इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ। समाज में बदलाव की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग खुद बदले हुए आदमी हैं, हम लोग कुछ अलग हैं। हम लोग फौजी हैं तो फौज ज़िंदगी जीना सिखाता है, जैसा कि सभी को पता है। हम लोग मैं खास करके अपना बता रहा हूँ कि मैं जब रिटायर हो रहा था तो मैं अनुशासन के तहत नौकरी किया, इस बात का एक सर्टिफिकेट भी भारतीय सेना दिया है कि आपने 17 साल सेना में रहा है और आपका करेक्टर अनुकरणीय है। तो जब हमने वहाँ पर जो सीखा है तो अपने आप में सबसे पहले तो सीख चुके हैं, तो अब समाज में ही बदलाव लाना है। और जो जागरूक लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप अपने आपको जागरूक मानते हैं तो आइए और 10 आदमी को मेरे विषय में चर्चा कीजिए कि सबसे बेटर कौन, ये जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर यदि वो जागरूक कर देंगे तो ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो पीड़ित हैं, क्योंकि हम तो 5 साल पहले रिटायर्ड होकर के झेल रहे हैं, लेकिन वो लोग सालों से झेल रहे हैं। लेकिन वो लोग के पास कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्टियां जो है वो जो है क्या पता क्या देख करके टिकट देती है ये तो पता नहीं। लेकिन मैं तो उन सभी पार्टियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार टिकट जब देते हैं तो उनका खुद का छवि के विषय में जरूर ध्यान रखें कि क्या वो बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट देने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे। देखिए, सबसे पहला जो है हमारा जो बार बार एग्जाम जो हो रहा है कैंसिल पे कैंसिल, उस मुद्दा को मैं विधानसभा में रखूंगा और वहां पर एक सख्त कानून बनाने का मांग करूंगा कि इस तरह का जो करते हैं ठीक है, कुल मिलाकर के क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम करते हैं, उनके लिए एक सख्त कानून बने। और उसी तरीके से सेना में जिस तरह से होता है उसी तरीके से वो लोग को सज़ा मिलना चाहिए। अगर यदि सेना में जो है कोई आदमी अगर चोरी कर लेता है या कुछ भी गलत काम करता है तो सीधे कोर्ट मार्शल करके घर भेजते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो वही काम हम सबसे पहला करेंगे। उसके बाद में जो सरकारी महकमों में है वो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए सख्त कानून बनाने का मांग करेंगे। और जो समाज में चल रहा है जो रूढ़िवादिता बहुत तरह का मुद्दा है, अभी खास करके हजारीबाग वाला तो पहले मैं बता ही दिया हूँ कि क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जिसका टेंडर निकला है और वो अधूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका पैसा जो है ऐसे ही ख़त्म हो गया है, बहुत सारी टेंडर। तो ये सब जो है ऐसा ना हो, इसके लिए मैं ज़रूर आगे काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कहना चाहेंगे आप रिटायर्ड सैनिक के बीच में से एक समूह से जो हैं अरविंद ओझा जी खड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पहल है। सबसे पहले हम लोग एक सोल्जर फैमिली से आते हैं, हम डिसिप्लिन है तो हमारे बच्चे डिसिप्लिन है, हमारे बच्चे डिसिप्लिन है तो अपने साथ साथ अड़ोस पड़ोस को करेंगे, तो वहाँ से ही माहौल शुरू हो जाता है। और आज भी ये कहीं ना कहीं आप देखिए तो लोगों को एक आम पब्लिक से 10% ही ज़्यादा मगर एक फौजी के ऊपर विश्वास है। तो किस बात का विश्वास है? निष्ठा के ऊपर विश्वास है। उसी निष्ठा से ओझा जी आगे बढ़े हैं, हम लोग इनके साथ हैं, बढ़िया काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत खुश। आप कैप्टन से रिटायर्ड हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं अरविंद ओझा जी से? हम इनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जो हम लोग का समस्या आने के बाद यहाँ पर दिखाई दिया, पहले तो हम लोग नहीं रहते थे जिसके कारण से हम लोग को समस्या नहीं पता चलता, इनसे यही उम्मीदें हैं। जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे अभी एक उदाहरण लीजिए, एजुकेशन ऑफिस में जाइए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता, आप ब्लॉक लेवल में जाइए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता, लोग चक्कर काटते रहते हैं बार बार। जिस भी महकमे में जाइए यहाँ पे बोलेंगे साहब नहीं है, साहब और क्लर्क का इतना मिली भगत है कि बार बार किसी भी काम को रद्द कर दिया जाता है और वो काम होता नहीं है। आम जनता का चाहे कोई भी आवास को योजना हो, जो भी योजना हो, वो जिसको मिलना चाहिए वो उसको 50% तक भी नहीं मिलता है। कारण है गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको 2,50,000 रुपया दिया जाना था, उसको 1,50,000 तक भी नहीं मिलता, कारण वो बट कहाँ जाता है। जब इसके बारे में जानकारी लोगों को पहुँचाना हम लोगों का काम है, और वो जानते हुए भी लोग बोल नहीं सकते, उनको बोलने का अधिकार समाज में लाना। हम लोग एक ऐसे सोल्जर हैं, अनुशासित हैं, अनुशासन के रहते हुए कानून में रहते हुए सारे काम करते हैं, ना ही किसी से लेने के जानते हैं, ना ही किसी को फालतू देना जानते हैं। बस कहना यही चाहते हैं कि जिस तरह के एक सैनिक का शासन और उसके अनुशासन अंदर में है, उसी तरह आम जनता को भी होना चाहिए। आपके माध्यम से आज बोलने का मौका मिला है, समाज वालों को सबको बताना चाहते हैं, हजारीबाग विधानसभा कोशिश करें एक फौजी के ऊपर विश्वास करें, और 13 तारीख को 13 नंबर पे मतदान करके, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इनके विजय बनाने की कोशिश करें, हम उनके उम्मीदों पर खरी उतरने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट हजारीबाग का, मैं जिला महेंद्र को बोल रहा हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव में सब पैसे वाले ही खड़ा है, तो उन लोगों का तो जोर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग जो अपना संगठन से अपना जो भी पैसा डोंट करके हम लोग ओझा जी को खड़ा किए हैं, और मैं जनता से यही आग्रह करता हूं कि एक बार फौजी भाई को जिता हुए देखिए, उसके बाद देखिए हजार में क्या बदलाव होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक गरीब का बेटा होता है वो या तो किसान बनता है, या तो फौज में जाता है, पुलिस में, किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपनी सेवा देता है। और एक नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है, वहाँ से आके कल फिर वो नेता बन जाता है। और हमारे दादाओं ने झंडा ढोया है, आज हम ढो रहे हैं, मेरे बाप ने ढोया, और मेरी नेक्स्ट पीढ़ी भी उन्हीं के झंडा ढोने के लिए तैयार है जो विदेश से आके कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको चुने जो इस देश के गरीब के बेटा है, जो किसान का बेटा है, जो 15 साल 17 साल 24 साल देश की सेवा करके आया है, वो चाहता है कि हम देश का सेवा करें। तो हम लोगों से यही अपील करता हूं कि उसको चुने, ये ना कि 500 1000 रुपये के चक्कर में अपना वोट, जो कि बहुत ही कीमती है इस हजारीबाग के विकास के लिए। आज हजारीबाग का मुख्य मुद्दा सफाई, स्वास्थ्य, रोज़गार, सब बिल्कुल ही सड़क निर्जर जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है। तो इसको और कोई नहीं कर सकता है, एक सेवा या तो सेवा करके आया हुआ सैनिक ही कर सकता है। क्योंकि हम जब फौज में होते हैं तो हमको डिसिप्लिन और ईमानदारी और सारी चीज़ों का कसम खिलाया जाता है, और उस पर हम हमेशा निर्वहन करते हैं उसको। इसलिए मैं अरविंद ओझा जी को पहले ये शुभकामना देना चाहता हूं, और जनता से अपील करता हूं कि इनको सपोर्ट करें, और एक गरीब का बेटा फौजी इस हजारीबाग विधानसभा को बदल सकता है, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। इसलिए सभी से अपील करता हूँ कि इनको सपोर्ट करें। जय हिंद, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद ओझा जो खड़े हुए हैं, वो इससे पहले बड़का गांव विधानसभा से खड़े हुए थे, और इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, और हजारीबाग में आप सभी से निवेदन है कि वोट जरूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही।